पिज्जा खाना सभी को बहुत पसंद होता है और आज मैं लेकर आई हूँ पिज्जा की सबसे आसान रेसिपी। इस पिज्जा को हम बनाएंगे कढ़ाई में, वो भी बिना यीस्ट और ओवन के। तो चलिए इस पिज्जा की रेसिपी को शुरू करते हैं। होममेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में 2 कप मैदा डाल देंगे, आधा कप दही डाल देंगे जो कि करीबन 3 से 4 टेबलस्पून है, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों इसमें ज़रूरी है तो आप दोनों ज़रूर डालें। इसके बाद हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और 1/4 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। पहले मैदे को हम सोडा और दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालकर गूथेंगे। तो जैसे ही इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, तो ये ऐसे दरदरा हो जाएगा। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो पानी एकदम थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करना है, डो को हमें सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल पानी यूज़ करना है, ठंडा या गर्म नहीं। तो ये हमारा डो रेडी है। अब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और ऊपरी सतह को स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला मैंने और इसे ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक देंगे और 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे ताकि डो जो है वो फर्मेंट हो जाए, फूल जाए। नेक्स्ट अब हम एक कढ़ाई में नमक डालकर और स्टैंड डालकर इसे 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। आपको ये नमक थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि इसको मैं बेकिंग में कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो यहाँ पर आप एक कटोरी भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। आधे घंटे बाद हम इसे वापस ऐसे गूथ लेंगे। अगर आप इसे 30 से 40 मिनट के लिए फर्मेंट होने देंगे ना, तो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम मार्केट जैसा, और पता ही नहीं चलेगा हमने इसमें यीस्ट नहीं यूज़ किया है। तो ये हमारा डो रेडी है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो जितना बड़ा आपको पिज़्ज़ा बनाना है ना, उसके हिसाब से आप लोई बनाएं। तो अब हम चलते हैं इसे रोल करने के प्रोसेस में। तो बोर्ड पर हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और इसे रोल कर लेंगे। तो रोल करते टाइम ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है, इसे थोड़ा थिक रखें। तो मैंने इसे रोल कर लिया है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ली है ये स्टील की प्लेट। अगर आपके पास केक टिन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर हर किसी के पास केक टिन नहीं होता, इसीलिए हम इस प्लेट में पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। तो इस प्लेट पर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा इसमें चिपके नहीं। अब हम इस प्लेट में हमारे बेस को रख देंगे और इसे हाथों से ऐसे स्ट्रेच करके प्लेट के शेप का बना लेंगे। तो बेस में हमने इसमें सूखा मैदा डाला है जिसकी वजह से ये नीचे से जलेगा नहीं, और यहाँ पर फोक से इसमें ऐसे प्रिक कर दें ताकि ये फूले नहीं। बेस जो है वो फूलना नहीं चाहिए। तो अब हम पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा के लिए हम एक सॉस रेडी कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सेज़वान सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब हम इसे पिज़्ज़ा बेस पर लगा देंगे। अगर आपको बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा चाहिए ना, तो आप इसे ऐसे कॉम्बिनेशन करके ट्राई करें। इसके बाद हम इसमें चीज़ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मोज़रेला चीज़ लिया है। तो चीज़ को ऐसे स्प्रेड कर दें और इसके बाद हम इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्न लिया है, पनीर लिया है, प्याज लिया है, शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमाटर लिया है। तो यहाँ पर ये प्याज को ऐसे सजा देंगे। सजावट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद है आप पिज़्ज़ा को वैसे डेकोरेट करें। तो यहाँ पर मैंने सभी वेजीज को इस पर डाल दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। तो खाने में कोई चीज़ तभी अच्छी लगती है जब वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगे।
तो ये हमारा पिज्जा रेडी है। अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे जो हमने पहले से प्रीहीट होने के लिए रखा था। तो बहुत ही सावधानी से रखें और उसके बाद ढककर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता इसे पकने में। तो 20 मिनट हो चुके हैं, चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है और मेल्ट होकर बाहर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इससे पिज़्ज़ा और भी टेस्टी लगता है। तो लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा पिज़्ज़ा जो है वो गर्मा गर्म ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ठंडा करके इसे नहीं खाएं। अगर आपको आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।